नरेंद्र मोदी ने एक साल पहले मोडासा की यात्रा के दौरान देव की मोरी के विकास के बारे में बात कही थी, लेकिन इस बात को एक साल बीत जाने के बाद भी अब तक काम शुरू नहीं हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्हें दोषी ठहराया है। बिलोदा के विधायक अनिल जोशी कहते हैं कि बीजेपी की बात केवल कागजी होती है, ये काम में विश्वास नहीं करते, करोड़ों रुपए और बड़ी बड़ी बातें करके जनता को गुमराह करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने ये 4 साल पहले ये इसके लिए स्टेच्यू बनाने के लिए, बुद्ध भगवान का स्टेच्यू के लिए 2 करोड़ रुपये की बजट में प्रोविजन किया था, ट्राइबल बजट में प्रोविजन किया था, बाद में उसका कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। अभी केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की बात की है और उसका जो बजट है वो बौद्ध धर्म के गुरुओं से वहां से आने वाला है, ऐसी बात चल रही है। आपको बता दें, देव की मोरी वही स्थान है जहां वर्ष 1960 में मेश्वो बांध की खुदाई की गई थी, जिसमें से भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष मिले थे, उनमें उनके दांत समेत भगवान बुद्ध की मूर्तियां भी शामिल थी। और अब चुनाव के दौरान कांग्रेस ने फिर से भाजपा पर इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है। हालांकि भाजपा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को विकास दिखाई नहीं दे रहा है।